Hello student, this lecture is for class 8 and today I am going to start a new chapter, that is 1F. We have already completed 1A, B, C, D as well as E, and in this chapter we have to discuss about how to find a rational number between two rational numbers. Okay, so let us consider two number A and B. If we have to find a rational number between these number, so simply we have to do like add these number like A plus B and then divide by 2. That would be the rational number between these number. देखो कोई भी example हो, ठीक है ना, जैसे मैं एक example ले रहा हूं 1/3 and 2/3, ठीक है ना, ये क्या है 1/3 and 2/3, इसके बीच में अगर हमें rational number निकालने होंगे तो क्या करना होगा, देखो simply क्या करना होता है, दोनों को add कर दो 1/3 plus 2/3 and then divide by 2. तो हम इसे अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका 3/3 एंड देन 2 व्हिच इज 1/2. तो ये जो 1/2 आया ना, ये क्या होगा, इस दोनों के बीच का रैशनल नंबर आ गया, है ना. लाइक हम यहां पे लिख सकते हैं 1/3 और ये जो 1/2 है ये क्या होगा, 1/3 से ग्रेटर देन होता है एंड जो लास्ट का जो डिजिट है 2/3 ये इससे बड़ा होता है. तो ये इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकल गया. सो मतलब इसी तरह से हम कई सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. अब सोचो कि हमें इस दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो व्हाट विल वी डू, लाइक हम फिर से इसे ऐड कर देंगे, अब बाय 2 कर देंगे तो इसके बीच का रैशनल नंबर निकल जाएगा. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि इस दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो अपॉन 2 कर दो, तो इसके बीच का रैशनल नंबर इस बेस पे हम निकाल सकते हैं. एक अलग सा एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे, देखो एक दिया हुआ है कि 10 रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर. अब देखो यहां पे रैशनल नंबर मुझे क्या है ना कि बहुत सारे निकालने हैं, इवन फाइंड यू नो 10 रैशनल नंबर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है इस प्रोसेस से निकालने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे ना, दूसरा प्रोसेस एक अपनाते हैं. यहां पे देखो ये दोनों का एलसीएम ले लो, यहां पे 4 एंड 6, इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आ रहा है. तो डिनोमिनेटर को 12 में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट डिजिट है व्हिच इज -3/4, इसे हम 12 डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तभी ये क्या होगा, नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में 12 आएगा. तो ये आ गया आपका -9/12. अब दूसरा जो मेरा रैशनल नंबर है 5/6, इससे डिनोमिनेटर में 12 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अल्टीमेटली मुझे ऊपर भी करना होगा, तो ये हो गया 10/12. अब एक चीज बताओ, यहाँ पे -9/12 है और नीचे क्या है 10/12. देखो इस दोनों के बीच का जितना भी नंबर होगा ना शो, वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा. तो इसके बीच में क्या होता है ना, बहुत सारे नंबर होते हैं. तो अगर सपोज टू बी मैं यहाँ पे ले, ये एक छोटा नंबर है, नेगेटिव साइन है, वी ऑल नो दैट. जैसे कि मैंने -9/12 और इसके बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर निकालने हैं और ये आपका लास्ट में 10/12 है. देखो इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये बढ़ते रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है. -8/12 क्या ये बड़ा है इससे, ऑफकोर्स है ना, नेगेटिव साइंस में है. और ये -7/12 इससे बड़ा है, फिर -6/12 इससे बड़ा है. इसी तरह से हमें जितना भी निकालना होगा, 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इस स्पेस पे हम लोग निकाल सकते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एग्जैक्टली. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू स्पीक हियर, if you have any problem regarding this topic as well as you know the previous classes, so in that case if you have any issue you can write it in the comment section. Okay, I will definitely help you out. Okay, thank you.